लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह है, तो वही जनता भी चुनाव को लेकर काफी जोश में है। प्रत्याशियों ने जनता से मेल मिलाप करना शुरू कर दिया है। वहीं जमुई जिले के नगर परिषद झांझा चुनाव होने की संभावना नवंबर या दिसंबर में है, लेकिन सभी भावी प्रत्याशी अभी से ही तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं नगर परिषद झांझा के भावी चेयरमैन प्रत्याशी आशा देवी ने भी अपनी जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर दी है। आशा देवी ने 24 सितंबर को नगर परिषद झांझा के वार्ड नंबर 1 बजरपुरा में जनसभा को संबोधित किया। आशा देवी के साथ उनके पति श्याम देव जी उर्फ वैद्य जी भी साथ में थे। बिहार में जान रही है कैसा है शिक्षा, तो हर वार्ड में आंगनबाड़ी रहेगा। आंगनबाड़ी तो हर वार्ड में है ही, लेकिन उसका कोई ध्यान ही नहीं है। क्या बच्चा खा रहा है वो भी कोई देखने वाला जाने लगे। लेकिन मैं पर्सनल यहाँ हर महीना आएंगे और हर वार्ड से पूछेंगे कि आपका बच्चा कैसा है, चलने में कैसा है, वो बात हम बताएंगे और पूछेंगे कि क्या क्या आप लोगों को परेशानी है। हर महीना भर यहाँ एक बार आएंगे और कहेंगे कि क्या परेशानी, अपना परेशानी बताइए। परेशानी को सुनेंगे, उसके बाद हम हर व्यवस्था का इंतजाम करेंगे अच्छे से अच्छे। इतना गंदगी भरा हुआ है, गड्ढा में पानी भरा हुआ है, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस गंदगी में और इस पानी में रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले ये रोड पर काम करेंगे हम। सबसे पहले मेरा काम रहेगा आपका रोड बिल्कुल चमन रहेगा। आशा देवी की जनसभा में सैकड़ों महिलाएं, युवा, बुजुर्ग शामिल थे। आशा देवी और श्याम देव जी उर्फ वैद्य जी ने बजलपुरा के लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लोग काफी खुश, उत्साह और खुश दिखे। आशा देवी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झांझा नगर परिषद में अब तक जो विकास कार्य नहीं हुआ है वो मैं चुनाव जीतने के बाद करूंगी। क्षेत्र में हर काम होगा, सरकार द्वारा सारी योजनाओं को क्षेत्र की धरातल पर उतारा जाएगा, जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा और अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करूंगी। आशा देवी के साथ वैद्य जी भी सभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की, एक बार आप लोग आशा देवी को चेयरमैन पद के लिए समर्थन कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि चेयरमैन बनने के बाद क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा। आज से नहीं, करीब करीब बताएं कि 20 साल से हम सेवा में लगे हुए हैं और हम लगा रहूंगा, ये मेरा वादा है। जिस तरह के काम हमने अपने तरफ से किया है झांझा में, उसी तरह उससे कई गुना जब सरकार देगी वो हम एक एक पाई आप लोग के पास पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी आशा देवी बता रहे थे शिक्षा के माध्यम, सही बात है, हम लोग की शिक्षा बहुत जर्जर हो गया। आज जब तक हम लोग अपने बच्चा को प्राइवेट में नहीं पढ़ाएंगे तो आशा नहीं है कि हमारा बच्चा बेटी पास होगा या नहीं होगा। आंगनबाड़ी की बात है, नगर पालिका परिषद जो है आंगनबाड़ी हर जगह दिया, लेकिन आज तक के यहाँ के जो चेयरमैन रह चुके, क्या अपना आंगनबाड़ी किसी का है? कोई भाड़ा पर है, कोई अपना घर में चला रहा है, लेकिन सरकार के अपना आंगनबाड़ी नहीं है। दूसरा चीज आप देखे होंगे हर जगह हर वार्ड में मिला इंदिरा आवास। कौन ऐसा व्यक्ति है कि कहते हैं कि मेरा इंदिरा आवास बिना पैसा के बन गया? इसमें भी घुसखोरी चला, पुरजोर चला, कई आदमी पकड़े भी गए और अभी तक चल रहा है। बस यही सब लेकर के हम यहाँ खड़ा हुए इस बार झांझा परिषद में, ताकि आप लोग के बीच आवे और यह सब घुसखोरी जो हो रहा है, लोग कर रहा है, उसको मिटाएंगे। ऐसे हर लोग के दिल में है, ऐसे हर लोग के दिल में है कि एक नया चेहरा आए, हर लोग के दिल में एक नया चेहरा आए और हम
शायद आप लोग के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं चेयरमैन में सबसे ज्यादा नया चेहरा हम हैं। कई प्रत्याशी ऐसे खड़ा है जो कि हर लोग के आप जानते होंगे, किसी को अच्छा से किसी को खराब से, लेकिन हम इतना नया है जो कि हम लोग को जानने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। इसलिए हम कई बार बताए हैं कि हमारे बारे में जानना हो तो हमारे झाझा जो हमारे करीब है नजदीक है उनसे पूछा जाए। किसी गरीब घर के लड़की की शादी होती है उसमें हम 5,000 रुपया देते हैं उसको लड़की की शादी में। अभी जो बोले कि झाझा का चेयरमैन कैसा हो भलुआ चरघरा के, इनकी भी लड़की की शादी हुई उनको भी मैंने 5,000 रुपया दिया। आज हम शाम से कहते हैं कि भाई जी जैसा कोई नहीं। इस तरह जब हम अपना प्राइवेट में रहते हुए किए हैं तो एक बार आशा कीजिए कि जब हम चेयरमैन हमारी पत्नी आशा देवी बनेगी तो आपको वादा करते हैं कि एक एक पाई आप लोग तक पहुंचाएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद दोबारे मैंने वोट मांगने कभी आप लोग से नहीं आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। बिहार में 2 चरण में अभी मतदान की घोषणा हुई है। पहला चरण 10 अक्टूबर को है, दूसरा चरण 20 अक्टूबर को होने की होने वाली है। जमुई जिले के झाझा नगर परिषद का जो चुनाव है उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। हो सकता है संभवतः वो उसका चुनाव नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। लेकिन चुनाव जब आप भी जानते होंगे जब चुनाव आता है तो तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे समाजसेवी अपने आप को जो समाजसेवी कहते हैं वो चुनाव में चुनाव के बीच में उभर के आते हैं और जनता से मिलना जुलना शुरू करते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी समाजसेवी होते हैं जो सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि वो लगातार कई वर्षों से जनता के सुख दुख में साथ होते हैं और उनकी समस्या को जहाँ तक होता है समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज मैं झाझा नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में आया हूँ। यहाँ पे एक समाजसेवी हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैजी के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी धर्मपत्नी आशा देवी जी इस बार झाझा नगर परिषद से चेयरमैन की प्रत्याशी है। आज ये अपना चुनावी जनसंपर्क की यात्रा का शुरुआत झाझा नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 बजलपुरा गांव से किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आशा देवी जी भी हैं और तमाम बहुत सारे लोग यहाँ पे इनका स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम यहाँ के पब्लिक से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किन किन मुद्दों के साथ जो जनता है वो वोट करेगी कैंडिडेट को और आशा देवी क्या इनके लायक कैंडिडेट हैं, आशा देवी को ये किस तरीके से देखते हैं, तो आज हम पब्लिक से ही बात करेंगे। बताइए आपका क्या नाम है? चुनाव होने वाला है, पता है आपको सब है, चुनाव जानते हैं कुछ, डेढ़ महीना है। कौन कौन है चेयरमैन का कैंडिडेट यहाँ से, कुछ नाम पता है? अच्छा हाँ, खड़ा हो रहा है, सबको वोट देना है चेयरमैन के जिताना। किसको है? किसको जिताना है? उषा देवी के। उषा, आशा देवी नाम है ना? अच्छा, आशा देवी को आप क्यों चुनाव जिताइएगा चेयरमैन? क्यों जिताइएगा? आशा देवी अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है। कैसे अच्छा कैंडिडेट है? हम लोग जानते हैं कि खाना लॉकडाउन में दिया है 20 दिन खाना, और कोई कैंडिडेट नहीं दिया है? तो देखने के लिए आया है, तो भाई जी सबको खिलाया कर दिया। अच्छा, अभी तो और लोग आते होंगे ना आप लोग से मिलने के लिए? सब लोग आपका नाम? रमिया खातून। आशा देवी जी आज आप लोग के सामने आए हुए हैं, क्या इनसे उम्मीद रख रहे हैं आप लोग? सब्जी देते हैं। अच्छा, अगर आशा देवी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इनसे क्या उम्मीद रखिएगा, क्या काम करवाइएगा? सब कुछ करेंगे। और जो और भी लोग आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए तो उनके लिए क्या रहेगा, क्या कहेंगे उन लोगों को? चुनाव आने वाला है पता है ना, तो प्रत्याशी लोग तो आना शुरू कर दिए होंगे आप लोग के पास। आशा देवी को ही आप लोग वोट क्यों दीजिएगा? हमको मदद किया है। क्या मदद किया? बहुत चीज मदद की, खाना पीना रहना उना घर द्वार सब चीज, कपड़ा लता सब हम देंगे वोट। आशा देवी को ही मतलब अपना समर्थन आप लोग आशा देवी को ही दे रहे हैं।
जी, मेरा नाम सोनी परवीन है। कितने नंबर वार्ड से हैं? मैं एक नंबर वार्ड से हूँ। अभी नगर परिषद का चुनाव होने वाला है कुछ दिनों के बाद, और यहाँ पे चेयरमैन के भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। पहले क्या होता था कि चेयरमैन वार्ड के द्वारा चुना जाता था, है ना, और इस बार सरकार जो गाइडलाइन जारी किया है वो जनता के द्वारा चुनाव होगा। तो इस बार तो बहुत सारे चेयरमैन प्रत्याशी मैदान में है, तो सबसे अच्छा आपकी नजर में कौन सा चेयरमैन प्रत्याशी है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार के पास तो गरीबों के लिए बहुत लाभ आता है, लेकिन सही नेता के पास ना पहुंचने के कारण गरीब लोगों को मदद नहीं मिलती है। तो हम ये कोशिश करेंगे, आज पहली बार बैद जी हमारे गांव आए हैं, बजलपुरा नाम है इस गांव का। मैं बैद जी का नाम सुनी हूँ कि गिरको में रहते हैं, और पहली बार आशा चाची भी आई हैं, तो मैं इनको पूरा सपोर्ट करूंगी और देखूंगी भी कि आगे इनका काम कैसा है जीतने के बाद। और इनसे क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीद है अगर जीत जाएंगी तो जरूर गांव में उजागर आएगा, बच्चों लोग को शिक्षा मिलेगी, और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या पानी छू रहा है तो उनके लिए इंदिरा आवास के लिए सहयोग करेंगी, और मैं पूरा सपोर्ट करूंगी इनको। मैं महिला क्या बोली आप लोग सुने ही, और यहाँ पे जेंट्स भी है, जेंट्स से भी कुछ हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सही जी। कितने नंबर वार्ड से हैं आप? एक नंबर वार्ड से। आने वाले दिनों में कुछ दिन में चुनाव होगा नगर परिषद का, तो चेयरमैन का इस बार जनता के द्वारा वोट होगा। चेयरमैन में कौन कौन प्रत्याशी हैं? श्यामजीत देखो, क्यों बैजी को ही क्यों आप लोग चुन रहे हैं? बहुत अच्छा है कैंडिडेट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे आप बैजी को जानते हैं? 12 वर्ष से। 12 वर्ष से ऐसा क्या आप देख रहे हैं बैजी में जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं बैजी को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग का सुख में साथ लाते हैं? अच्छा, तो इस बार आप लोग उम्मीद किए हैं कि बैजी को ही चुनाव जिताना है। आपका नाम क्या हुआ? बनारसी साहु। कितने नंबर वार्ड से हैं आप? 11 नंबर। 18 नंबर से, लेकिन आप यहाँ पे आए हुए हैं अभी जनसंपर्क में। किस तरीके से देख रहे हैं बैजी को? और भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं चुनाव को लेके, बहुत सारे चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। चेयरमैन का प्रत्याशी तो इतना है जिसका कोई चेहरा नहीं देखा हुआ जी, 20 साल से जो चेयरमैन रहा उसका कोई चेहरा नहीं, जिसे बहुत सा उम्मीद है, जो कि देखते आ रहे हैं, जब से देखते आ रहे हैं बहुत सारा काम किया है, नहीं कोई पद पर नहीं रहते हुए फिर भी ये काम करते रहते हैं। जब पद पर जाएंगे तो काम तो होना चाहिए, जी जी, नहीं करेंगे और फिर आगे अपना भविष्य देखेंगे। जी जी जी। नंबर वार्ड सर, इधर छह नंबर वार्ड चेयरमैन का चुनाव होने वाला है इस बार। गरीब का बहुत से नाली नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, नहीं है, बहुत सी समस्या है जो इस बजरपुरा में अभी तक नहीं कोई कर सका। अबरी बार हम लोग जो आए हैं और इस बार आशा देवी को जिता के और ये सारा जितना भी काम है हम आप विकास करेंगे। पूर्ण समर्थन आप लोग आशा देवी जी को जी दे रहे हैं चेयरमैन के चुनाव? बिल्कुल। नगर परिषद का चुनाव कुछ दिन में होने वाली है, तो इस बार किसको आप लोग चेयरमैन में सपोर्ट कर रहे हैं? कहीं बैद जी को क्यों? क्या वो बहुत क्या आपका कुछ काम किया है बैद जी? काम है कि लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आपके समाज में योगदान रहे हैं उसका भी गेट और पर्चे हुआ उसमें हम लोग पहुँचे थे तो इस बार समर्थन आप लोग बैजी को कर रहे हैं। हाँ, और भी तो प्रत्याशी आप लोग के पास आएंगे वोट मांगने के लिए? सेवा खाने खिलाने से नहीं होता है, काम करने से होता है। आप एक युवा हैं, इसी वार्ड से हैं? जी, एक नंबर वार्ड से। एक नंबर वार्ड से हैं जी। युवा हैं और कुछ दिनों के बाद नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, कैसे देखते हैं, किनको समर्थन आप कर रहे हैं? हाँ, कुर्सी भिजवाइए ना, भिजवाते जाइए। अच्छा आदमी है, भिजवाइए। बैजी को ही समर्थन करना है? बैजी बहुत अच्छा आदमी है, उसी को हम पूरा वार्ड नंबर 1 से समर्थन करें।